आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की अकड़ नहीं जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कही गई, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान ने अपनी एक शर्त भी जोड़ दी है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के घोषणा पत्र में भारत के साथ शांति और बेहतर संबंध बनाने का जिक्र है कि भारत को शांति का संदेश इस शर्त पर भेजा जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 को निरस्त करने के फैसले को वापस ले। बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें भारत के साथ शांति स्थापना पर जोर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान या फिर वहां के सियासी दलों की इस शर्त का कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि भारत पहले भी साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को 2019 में भारत की संसद द्वारा निरस्त किया जाना भारत और उसके संविधान का आंतरिक मामला है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं, इसीलिए वो भारत से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटने पर नवाज शरीफ ने भारत के साथ बेहतर संबंधों और व्यापार की वकालत की थी, साथ ही भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की दुर्दशा के लिए भारत या अमेरिका नहीं, बल्कि खुद वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली है। लेकिन उनकी पार्टी के घोषणा पत्र को देखकर लगता नहीं कि उन्हें अभी अकल आई है। इससे पहले 2017 में PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए पार्टी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। वहीं उनकी बेटी मरियम नवाज भी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। देश दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।